नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिनांक 3 जुलाई 2019 बस्ती पुलिस ने किया लूट के संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार। पुलिस अध्यक्ष बस्ती श्री पंकज कुमार के निर्देश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अध्यक्ष श्री पंकज पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी हरिया श्री राहुल पांडे के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षण गौ श्री अनिल कुमार दुबे व प्रभारी सर्विलांस श्री पंकज पांडे की संयुक्त टीम द्वारा अन्य कई धाराओं में वांछित अभियुक्त सूरज सोनू उर्फ तक्षराज सोनी पुत्र परशुराम सोनी निवासी वार्ड नंबर 8 भागेश्वर नगर सोसाइटी रोड भवनान बाजार थाना गौ समेत मिश्रा उर्फ प्रियांशु पुत्र रविंद्र कुमार मिश्र निवार्ड संख्या दीनदयाल नगर भवान थाना गौर गुड्डू सोनू उर्फ महेश सोनी पुत्र त्रिलोकी प्रसाद सोनू निवासी वार्ड नंबर 4 भगत सिंह नगर भवनान थाना गैर बस्ती को मुखबिर की सूचना पर गौर रोड स्थित नवीन सब्जी मंडी के दक्षिण गेट के अंदर से दिनांक 3 अगस्त 2019 को समय 2:15 पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण सूरज सोनी उर्फ तक्षराज सोनी पुत्र परशुराम सोनी निवासी वार्ड संख्या 8 भागेश्वर नगर सोसाइटी रोड भवनान थाना बाजार गौर मोहित मिश्रा उर्फ प्रियांशु पुत्र रविंद्र कुमार मिश्र वार्ड नंबर 9 दीनदयाल नगर भवनान थाना गौर गुड्डू सोनी उर्फ महेश सोनी पुत्र त्रिलोकी प्रसाद निवासी वार्ड नंबर भगत सिंह भवनान थाना गौर बस्ती। वांछित अभियुक्तों का विवरण सोनू उर्फ दिलीप सोनी पुत्र धनश्याम सोनी मनिकापुर थाना कप्तानगंज बस्ती सूरज मिश्रा पुत्र विनोद कुमार मिश्रा निवासी रमेश्वर सिविल लाइन थाना कोतवाली बस्ती 3 या 2 अन्य अभियुक्त नाम पता अज्ञात। बरामदगी का वितरण 1 अदद पिस्तल 32 बोर 2 जिंदा कारतूस 32 बोर। घटना का संचित वितरण वादी राजीव पुत्र परमेश्वर गुप्ता निवासी वार्ड संख्या 8 बागेश्वर नगर सोसाइटी के रोड भवनान बाजार थाना गौर द्वारा तहरीर दिया गया कि वादी अपने पिता के साथ दिनांक 31/3/2019 को अपने रिहायशी मकान में मोटरसाइकिल खड़ा कर रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग आए और वादी के पिता के हाथ से झोला छीन लगे। तेज आवाज में गाली देते हुए मार डालने की धमकी देते हुए अपने पिस्तौल से फायर कर दिया जिससे वादी के पिता के दोनों हिप पर गोली लग गई और अज्ञात हमलावरों द्वारा 2 पिस्तौल के 5 फायर करते हुए मौके से भाग गए। तहरीर के आधार पर थाना गौर पर कई धाराओं के मामला पंजीकृत किया गया। पूछताछ का विवरण पूछताछ के अभियुक्त सूरज सोनी ने बताया कि कुछ दिन पहले परमेश्वर सोनू ने मेरे यहाँ सुनी हो गई थी जिससे परमेश्वर सोनी हमको बेइज्जत करके थे, तभी से मैं बदला लेना चाह रहा था। उसी बात को लेकर मैं मोहित मिश्रा से मिला, उसे पूरी बात बताई। उससे मेरे पारिवारिक संबंध हैं और फिर हम दोनों लोग गुड्डू सोनी से मिले। गुड्डू ने बताया कि जेल में मेरी मुलाकात सोनू उर्फ दिलीप पुत्र घनश्याम सोनी निकट मनिकापुर थाना कप्तानगंज बस्ती से हुई जो आपका करवा सकता है। इसके बाद हम लोग सूरज मिश्रा से मिले, मैंने सारी बात बताई। हम सभी लोग यहाँ निश्चित किए कि घटना शाम को जब परमेश्वर गुप्ता अपनी दुकान से घर जाने का इंतजार करने लगे, शाम को परमेश्वर गुप्ता अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकले, तब मैंने सोनू सोनी को फ़ोन कर बताया। सोनू व सूरज अपने अन्य 2 साथियों के साथ जिन्हें मैं नहीं पहचानता के साथ परमेश्वर के घर पहुंच गए। जैसे ही परमेश्वर गुप्ता मोटरसाइकिल से उतरकर अपने घर में जाने लगे उसी समय सोनू सोनी अपने दोस्तों के साथ घटना को अंजाम दिया।